हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू रसोई की। दोस्तों, मैं हूँ सुखविंदर कौर और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक क्रिसमस स्पेशल रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम से क्रीमी और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। आज हम बनाएंगे कैरेमल पुडिंग। ये बहुत ही फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट बनेगी, तो इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं कैरेमल पुडिंग बनाना। कैरेमल पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल दूँगी चीनी, 1/4 चीनी का इस्तेमाल किया है, और उसी के साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और इसे हमने अभी धीमी आंच पे पका लेना है, यानी कि धीमी आंच पे हम इस चीनी को मेल्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि गैस हमें ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, अगर आप तेज़ करेंगे तो जो ये चीनी है वो हमारी जल जाएगी और इस पुडिंग में जो टेस्ट है चीनी का वो नहीं आएगा। और ना ही हमने गैस को एकदम स्लो धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि एकदम भी स्लो रखेंगे तो जो चीनी है वो थीक हो जाएगी और आपको स्वाद नहीं देगी। तो गैस यहाँ पर हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। कैरेमल पुडिंग जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, वो एकदम डेलिकेट होती है, नाजुक सी होती है, बनती भी बड़ी आसानी से है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, बड़ी ही आसानी से जो चीनी है वो मेल्ट हो रही है इसमें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। एकदम से डार्क नहीं करना है, अगर डार्क कर दोगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। चीनी जब हमारी अच्छे से कलर दे देगी तो मैं इस तरीके का एक बाउल का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी एक बाउल यूज़ कर सकते हैं चीनी को पलटी करने के लिए उसमें। तो यहाँ देख सकते हैं जो चीनी ने अपना जो रंग है वो दे दिया है, ये देखिए। अब बस इससे ज़्यादा हमें इस चीनी को और नहीं पकाना है, वरना ये जल जाएगी। तो आइए उस बाउल में अभी हम इसे पलटी कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हमने इसे पलटी कर लिया है। पलटी कर लेने के बाद में हम इस तरीके से इसे चारों साइड से घुमा लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से इसे अच्छे से, अभी आप गर्म है तो इसे आप फटाफट सेट कर सकते हैं, एक बार ये ठंडी हो गई तो फिर आप इसे सेट नहीं कर पाएंगे। ये हमने सब साइड से इसे सेट कर लिया है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब यहाँ पर हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो उसे स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दूध। दूध को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, यानी कि मैंने यहाँ पे पका हुआ दूध लिया है और ये बिल्कुल ठंडा है। इसे मैं इस ग्राइंडर में डाल दूंगी। उसी के साथ में मैंने यहाँ पे लिया है कर्ड। ये करीबन मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अब यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर के साथ में मैं यहाँ पे डाल दूंगी मिल्क मेड। यहाँ पर हम मिल्क मेड डाल रहे हैं तो अभी दूध में मैंने कोई भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मिल्क मेड डालने से ऑलरेडी ये स्वीट हो जाएगा। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर जो ये बैटर है ये मैंने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड मैंने इसलिए किया था क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो हमारी चीनी थी वो अच्छे से ठंडी हो गई है। बिल्कुल इसे हम पलट के देख लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो अभी जो हमने बैटर को ग्राइंड किया था मिक्सर में, उसे एक बार मिक्स करते हुए मैं इसमें पलटी कर लूँगी।
बिल्कुल इस तरीके से ये सेट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने जो पानी है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है और यहाँ पर मैंने अभी एक उस पर जाली सेट कर दी है। अब उसी के साथ में मैंने जो हमारा ये बैटर तैयार किया था उसे यहाँ रख दूँगी। मैंने उसे फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर लिया है और इसे ढककर हम करीबन आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पर अभी करीबन 30 मिनट हो चुका है, तो आइए एक बार इसे ओपन करके देख लेते हैं कि ये जो कैरेमल पुडिंग है ये तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए, ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का सा मेल्ट हुआ है किनारों से। एक टूथपिक डाल के हम देख लेंगे। ये देखिए, ये एकदम क्लीन है, तो यानी कि ये जो हमारी पुडिंग है ये बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे इस कढ़ाई से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये जो बैटर है अभी हमारा, यानी कि जो कैरेमल पुडिंग है ये तैयार है, बट अभी मैं इसे रूम टेम्परेचर में एकदम से ठंडा होने दूंगी। ठंडा हो जाने के बाद में हम इसे रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में हमें इसे करीबन रखना है 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सेट हो जाने के बाद में हम इसे प्लेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो पुडिंग है ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो आइए 2-3 घंटे के बाद देखते हैं कि ये किस तरीके से इसका लुक बन के आता है। तो यहाँ पे हमारी जो कैरेमल पुडिंग है वो अच्छे से सेट हो गई है। फ्रिज में मैंने इसे रख दिया था, ये एकदम से ठंडी है। तो अब मैं इसे यहाँ पर साइड से हल्का सा नाइफ से इसे स्प्रेड कर लूँगी, ताकि ये अच्छी से इस बाउल से निकल जाए। इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे और एक प्लेट में उल्टा करके इसे निकाल लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। वाओ, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है, एकदम से फ्लफ़ी। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही डेलिकेटेड होती है पुडिंग। ये बहुत ही फ्लफ़ी, क्रीमी और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और ये बहुत ही आसानी से बनने वाली एक रेसिपी है, कम चीज़ों में बनने वाली रेसिपी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कट भी कर लेंगे और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी कैरेमल पुडिंग है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो कैसा लगा आपको ये पुडिंग वाली रेसिपी? आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स में से ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस क्रिसमस में आप इसे ज़रूर बनाइएगा। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को विश यू ए मैरी क्रिसमस एंड ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय एंड लव यू ऑल।